सब्सक्राइब कीजिए कुक विद स्मृति चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल बटन पे क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विद स्मृति। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति, और दोस्तों आज बनाने वाले हम एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी। पर रेसिपी शुरू करने से पहले, जो दोस्त आप मुझे पहली बार देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और दोस्तों करिए वादा आप मेरे साथ कि अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए चलते हैं किचन में। दोस्तों आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो पनीर से बनने वाली एक बहुत ही बढ़िया स्नैक्स की डिश है। इसको आप किसी पार्टी में स्टार्टर के तौर पे भी बना सकते हो, नाश्ते में भी बना सकते हो, या बच्चों को भी टी टाइम में दे सकते हो। ये बनाने में आसान और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो हम बनाने वाले हैं पनीर नगेट्स। नॉर्मली हम पनीर पकौड़ा बनाते हैं और हमेशा रेगुलर पकौड़ों जैसे उनका टेस्ट लगता है। पनीर नगेट्स थोड़ा सा डिफरेंट है, फ्राइड स्नैक है बट पकौड़े से बिल्कुल डिफरेंट है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमको चाहिए होगा 200 ग्राम पनीर। इसको मैंने यहाँ पे चौकोर क्यूब्स में काट लिया है। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, बड़ा या छोटा, जैसे भी आपको पसंद हो। बस इनकी मोटाई आपको थोड़ी ऐसे रखनी है, ज़्यादा पतला नहीं काटना। तो पनीर नगेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमको इनको मैरिनेट करना होगा। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जो लोग गार्लिक यूज़ नहीं करते हैं वो सिर्फ जिंजर और ग्रीन चिली का पेस्ट भी ले सकते हैं, या इसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपके पास पेस्ट ना हो तो आप गार्लिक को क्रश करके बहुत ही बारीक कद्दूकस करके भी डाल सकते हो। नेक्स्ट मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़े से चिली फ्लेक्स, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे मिक्स हर्ब लिया हुआ है, ऑरिगेनो या मिक्स हर्ब जो भी आपके पास हो आप डाल सकते हो। नहीं है तो आप थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके डाल सकते हैं, और चिली पाउडर के बजाय चिली फ्लेक्स का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे गर्म मसाला पाउडर। करीब 1 टेबल स्पून मैंने लिया है चाट मसाला, और बहुत ही थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी क्योंकि मैं चाट मसाला डाल चुकी हूँ, उसमें भी थोड़ा नमक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, आप कोई भी खाने वाला तेल ऐड कर सकते हो, और अभी अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स मिक्स हर्ब नहीं है और आप बच्चों के लिए बना रहे हैं और उनको टेस्ट पसंद है तो आप इसमें सेजवान सॉस भी ले सकते हो, उससे भी मैरिनेट कर सकते हो। तो इस तरह से मैरिनेशन के लिए मसाला तैयार हो गया है। इसमें 1 टेबलस्पून से भी कम, लगभग 1/2 टेबलस्पून मैंने डाला है पानी, तो मिक्स कर लें, और ये कुछ इस कंसिस्टेंसी का हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी अपने पनीर क्यूब्स, और अब इसको हम अलट पलट के मैरिनेट कर लेंगे। तो पनीर को हमने मैरिनेट कर लिया, इसको एक साइड रख देंगे। अगर आप चिली फ्लेक्स की जगह चिली पाउडर यूज़ करोगे तो इसके मैरिनेशन में रेड सा कलर आएगा, और मैंने चिली फ्लेक्स यूज़ किया है तो ज़्यादा रेड कलर नहीं आया है, अदरवाइज बाकी सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा। नेक्स्ट हमको एक घोल यानी कि स्लरी जैसी बनानी होगी, जिसमें मुझे यहाँ पर चाहिए 2 चम्मच मैदा, और करीब 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है। मैदा और कॉर्नफ्लोर की मात्रा आपको इस हिसाब से लेनी है कि मैदा कॉर्नफ्लोर से डबल होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें डाल देंगे दोनों चीज़ों को। इसमें डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक, और 1/2 टेबल स्पून करीब काली मिर्च पाउडर, मिक्स कर देंगे अच्छे से, और अब धीरे धीरे करके पानी डालेंगे। तो यहाँ पे एक इस तरह का घोल तैयार हो गया है। अब यहाँ पर आप एक वेरिएशन कर सकते हो, आप चाहो तो इस घोल में ही इनको डिप कर सकते हैं हम बाद में जब फ्राई करेंगे, और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़े से सफ़ेद तिल ऐड कर सकते हैं जो कि खाते वक्त बहुत टेस्टी लगते हैं। मेरे पास यहाँ पर तिल हैं तो मैं ऐड कर रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो इस प्रोसेस को। तो यहाँ करीब 1/2 टेबल स्पून तिल मैंने इसमें डाल दिए हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमको कोट करने के लिए चाहिए ब्रेड क्रम्स। ये मैंने घर में बची हुई ब्रेड को मिक्सी में चला लिया है और ब्रेड क्रम्स बन गए हैं। अगर आपके पास ब्रेड नहीं है और कॉर्नफ्लेक्स है तो आप उसको भी बारीक फाइन चला सकते हो मिक्सी में, तो भी वो आपको क्रम्स का काम और क्रिस्पीनेस का काम कर देगा। आप चाहो तो जो तिल हमने स्लरी में मिलाया है घोल में, वो आप इसमें भी मिला सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों हमको पनीर को फ्राई करने के लिए ऑयल की ज़रूरत होगी, तो मैंने 1 कढ़ाई में तेल गर्म होने रख दिया है, और तब तक हम इनको तैयार कर लेते हैं। तो पनीर नगेट्स रेडी करने के लिए सबसे पहले एक एक टुकड़ा पनीर का लीजिए, ये मैरिनेट किया हुआ, और इसको हम कोट कर लेंगे इस घोल में, एक्स्ट्रा घोल को गिर जाने दें, और इसके बाद अच्छे से ब्रेड क्रम से कोट कर लें। और कोट हो जाने के बाद एक्स्ट्रा को मैं इस तरह झाड़ दूंगी, और हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। बस इसी तरह हमें सारे अपने नगेट्स रेडी कर लेने हैं, और इस तरह प्लेट में रखते जाएंगे। तो हम सेम प्रोसेस से सारे तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे सारे अपने पनीर नगेट्स बना के रेडी कर लिए हैं क्रम्स में रोल करके। चलिए अब हम उनको फ्राई कर लेते हैं। तेल गर्म हो चुका है, तो हमने यहाँ पे तेल कढ़ाई में गर्म कर लिया है, और आप एक प्लेट पे टिश्यू पेपर लगा के रेडी कर लें ताकि जब आप इनको निकालें तो टिश्यू पेपर के ऊपर निकालें। तो अब धीरे से एक एक करके इनको डालना शुरू करते हैं।
जब इनको डालें तो इनके बीच में थोड़ी डिस्टेंस जरूर रखें ताकि आप इसमें चिपके ना और आपको पलटते बने। तो एक बार मैं जितने अच्छे से आ सकते हैं मैंने डाल दिए हैं। स्पून से मैं थोड़ा थोड़ा तेल इनके ऊपर डाल दूंगी ताकि इस साइड से भी ये थोड़े से अच्छे से सिक जाएं, ताकि जब हम फ्लिप करें तो इनका जो क्रम्स है वो पूरे उतर ना जाए इनके ऊपर से। और देखिए एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इनको धीरे से पलट दीजिए और दूसरे साइड से भी हम इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने देंगे। तो सभी नगेट्स हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए, इनको टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं और सेम प्रोसेस से हम बचे हुए भी फ्राई कर लेंगे। तो हमारा दूसरा ब्रेड भी फ्राई हो गया है, हम इसको भी निकाल लेंगे। दोस्तों जब भी हम ब्रेड क्रम्स लगा के कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो कुछ ना कुछ ब्रेड क्रम्स हमारे जो है वो तेल में ज़रूर छूट जाते हैं और इससे हमारा तेल जो है वो पूरा ख़राब हो जाता है और अगली बार यूज़ नहीं हो पाता। तो आप इस ऑयल को छन्नी से छान के रख लीजिए और नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सकते हैं। बस आप छान लें तो सारे ब्रेड क्रम्स निकल जाएंगे। इन्हें भी हम रख लेते हैं और फिर सर्व करके दिखाती हूँ आपको। तो लीजिए दोस्तों झटपट से हमारे पनीर नगेट्स बनके तैयार हो गए हैं। इनको मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आप हरी चटनी के साथ या अपने मनपसंद के किसी भी सॉस के साथ इनको सर्व कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इनको इस तरह सर्व ना करके इनमें एक टूथपिक लगा दें और उस तरीके से भी आप लॉलीपॉप्स की तरह भी इनको सर्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।